अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? होप करता हूं गाइस आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। भाई तो फिलहाल गाइस अभी देखो बज रहा है भाई सुबह के 11। और भाई अभी देखो हम लोग रेडी हो चुके हैं फुल्ली। आप लोग सोच रहे होंगे भाई रेडी हो गए हम लोग कहां जा रहे हैं, तो एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं भाई शादी में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई साहब देखो जीशान भी रेडी हो चुका है भाई, हम और जीशान जा रहे हैं भाई बारात करने। भाई साहब बहुत ज्यादा आज मजा आने वाला है। एक्चुअली जहाँ पे शादी है ना वहाँ पे इरफान भी गया हुआ है, एंड मेरा चश्मा न्यू वाला कैसा लग रहा है भाई कमेंट में जरूर बताना। एक्चुअली इरफान के ही घर पे शादी है, मतलब यहाँ पे नहीं उसके मामा के घर पे। भाई साहब बहुत टाइम बाद जा रहे हैं हम लोग बारात करने के लिए, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है ना जीशान? यस मजा आएगा। अगर डीजे होगा भाई तो जीशान को डांस भी करवा देंगे, मजा आएगा। करेगा ना? चलो भाई हम भी करेंगे भाई डांस अगर डीजे होगा। एंड भाई समीर को देखो अभी तक ये सो ही रहा है भाई, ये तो नहीं जाएगा। एंड भाई साहब इरफान तो दो दिन पहले से वहीं पे गया हुआ है, तो चलो फटाफट करके निकलते क्योंकि रेडी हो चुका है हम लोग। जा रहे हैं हम लोग बारात। बेल्ट नहीं लगाया जीसा? ये बेल्ट लगा ले तू। तो फिलहाल भाई साहब देखो हम लोग निकल रहे हैं भाई। एक्चुअली जानते हो वहाँ पे दिन में शादी है भाई, तो हमको इसीलिए दिन में जाना पड़ा। बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई दिन में कौन सी शादी। चले जी शान निकले। हाँ चलो, अगर डीजे रहेगा तो मैं तो नाचूंगा। बिल्कुल भाई, ये देखो भाई कौन कौन से रास्ते से जाना पड़ रहा है भाई। एक्चुअली अभी हम लोग चल रहे हैं भाई घर पे, जहाँ पे मतलब जहाँ से बारात निकलेगी, फुल ऑफ रोडिंग करना पड़ रहा है भाई। तो फिलहाल भाई अभी देखो हम लोग यहाँ पे एक जगह पे रुके हुए थे, इरफान एक्चुअली आ रहा है हम लोग को रिसीव करने भाई, क्योंकि हम लोग को रास्ता ही नहीं पता है भाई यहाँ का, हम लोग भटक गए हैं। ये लो भाई साहब फाइनली इरफान आ गया भाई। भाई तुम्हारे गांव का रास्ता हम लोग भटक गए थे भाई। ये गांव ही ऐसा है कि रास्ता ही नहीं बचा इसमें। चलो क्या हुआ, दूल्हा रेडी है? एकदम रेडी है भाई सब लोग। ये बताओ हम लोग तो मैचिंग कर लिए यार भाई, ये देखो हम लोगों ने मैचिंग कर लिया भाई। चले चलो चलो भाई। भाई यहाँ से हमको बाइक से जाना है भाई, अभी जा रहे हैं हम लोग घर पे, आगे बहुत भीड़ लगी हुई है एक्चुअली। मैं तो बोलता हूँ भाई लगे हाथ इरफान की भी शादी करा देते भाई। क्या बोलता है? नहीं नहीं भाई। हाँ जीशान चल इरफान तेरी शादी वहाँ करवा देंगे। और क्या भाई हम लोग भी डांस थोड़ा कर लेंगे, जीशान की भी करवा दे साथ में। ये बता भाई डीजे उजे नहीं था क्या? नहीं डीजे नहीं रखे। तो चलो भाई साहब सारे लोग बैठ चुके हैं, हम निकले। तो भाई साहब फिलहाल अभी हम निकल चुके हैं बारात के लिए भाई, जहाँ बारात जा रही है भाई। डीजे नहीं है तो क्या हुआ, हमारा कार है। मैं मेरे भैया गिल गाड़ी चला चला रेल, स्कूल में बेशक पास कुनी मारे आगे सारे फेल, गाड़ी सारे ढड़की चला रहो सब की रुका मरा ठा ठा जुनो सुपर आई 107 की रह जुनो सा ज्यादा हवल है उसकी मरोड़ का डै लाखा में एक संदूक में करोड़ आवे। क्या बोलते हो इरफान की शादी में रेंज रोवर लेके जाएंगे? जी वैगन जाएगी जा। कर ली घाणा ना ना कोई रोक पावे, एक बार मिली बात छोरी ना मन ना छूट पावे। ये देखो भाई अभी जस्ट हम लोग पहुंचे ना बारात में, हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए भाई, दिखा रहे वीडियोस वगैरह देखते हैं, थैंक यू सो मच। हाँ यही है दूल्हे के छोटे वाले भाई, यही है यही। दे यार दे, अब देखो भाई फाइनली जा रहे हैं निकाह पढ़ाने के लिए। तो ये देखो भाई साहब फाइनली निकाह वगैरह हो चुकी है भाई। ये देखो दूल्हे का सहरा लेके आ रहा है भाई ये। भाई एक बार तू इसको पहन के दिखा, है ना दूल्हा लगेगा भाई एकदम। लगा ले कोई नहीं देख रहा है। मैं तो बोलता हूँ लगे हाथ करवा देते इसकी भी शादी, क्या बोलते हो? ओहो भाई साहब देखो भाई ऐसा कुछ लगेगा इरफान दूल्हा जब बनेगा भाई, टेंशन नॉट, जल्दी तुम्हारी शादी करवाएंगे। तो फिलहाल भाई साहब अभी हम लोग बैठ गए हैं भाई खाना खाने के लिए, सारा कुछ हो गया भाई निकाह वगैरह सब कुछ। जीशान खाना खा के उसका निकले। चलो भाई फटाफट खाना खा। ये बताओ घर चलोगे साथ? घर चलना है साथ में। तो चलो भाई साहब फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं भाई, फिलहाल अभी हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया भाई। चलो भाई इरफान चल रहे हैं घर पे, जल्दी आओ काम है और। तो एक्चुअली भाई कल इरफान आ जाएगा घर पे भाई, उसके बाद फिर हमारा तगड़ा तगड़ा सा प्लान है भाई, उसके बाद भाई घूमने चलना है। कहाँ पे पता है ना, इंटरनेशनल ट्रिप। यस चले, चलो बाय बाय, ले लो भाई ले लो। चलो बाय। हाँ तो फाइनली भाई साहब देखो हम लोग घर के लिए फाइनली निकल चुके हैं भाई, अब मिलते हैं आपसे सीधे घर पे भाई। मजा आया जीशान? यस मजा आ गया फुल। चलो भाई अब सीधा हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए डायरेक्ट।
तो फाइनली भाई साहब देखो जस्ट हम लोग पहुंच गए भाई पार्किंग में, फटाफट चलते भाई घर पे। चलो भाई जैसे हम लोग घर पे पहुंच गए भाई बारात करके, भाई साहब लिटरली बहुत ज्यादा मजा आ गया। हम लोग तो सोच रहे थे भाई डीजे वगैरह रहेगा और डीजे था ही नहीं भाई, नहीं तो डांस करते हम लोग। समीर तुझे सब सब्सक्राइबर लोग वहाँ पे पूछ रहे थे तू क्यों नहीं आया था। मैं नहीं जाता हूँ घर से बाहर। काहे? हाँ मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, पैसा कुछ चल के आएगा। मटन था, फ्राई था, कबाब था, उसके बाद ढेर सारा सामान था खाने वाला, सब कुछ खा सकते। सोच ले समीर। फिलहाल भाई अभी देखो हम लोग आ गए भाई पार्किंग में, और गाइस आप लोग को एक चीज बतानी है भाई, जल्दी हम आपको एक सरप्राइज देने वाले, बहुत भयानक वाला है ना। यस, खतरनाक सा सरप्राइज है, बहुत बड़ा। मतलब अभी नहीं देंगे भाई, ये ईयर खत्म होते होते ना बता देंगे इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा भाई, क्योंकि बहुत बड़ा सरप्राइज है भाई, छोटा मोटा सरप्राइज नहीं, हो सकता है उससे पहले ही हम रिवील कर देंगे भाई। बट गाइस वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत कुछ है। मतलब गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बस वो चीज हो जाए ना। होगी इंशाल्लाह, बस मजा आ जाएगा भाई उसके बाद तो। अरे भाई ये देखो अपनी जीटी और चाचू की एक्सपल्स तो यहीं पे पड़ी हुई है, क्योंकि चाचू तो मुंबई गए। ये बता जीशान तेरी डेड बाइक किधर है? घर पे ही है, मैं तो कहता हूँ कल डेड बाइक चलाते हैं। मेरे ख्याल से उसमें पेट्रोल वगैरह भी नहीं होगा ना। हाँ। पेट्रोल ला के डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर कल चलाते हैं ना भाई। यस, मजा आएगा। उसको लेके चलेंगे मस्त एकदम ऑफ रोडिंग पे कल। सरप्राइज बता दो फैजल भाई, क्या है? क्या सरप्राइज यहाँ पे क्या है रे? ये देखो हमारे खेत में ले जा रहे हैं सरप्राइज दिखाने भाई। गेस करो गाइस, जीशान बोल रहा है यहाँ पे रहेगा, है ना? क्या हो सकता है? मोए मोए। वो जब होगा ना भाई साहब तो आप लोग को पता चल जाएगा, हम लोग बता देंगे एक्चुअली में जल्द ही। बस चलो घर पे चलते हैं अभी फिलहाल हम लोग। एंड भाई पता ही है कल इरफान भाई घर पे आ जाएगा, मैंने उससे बोल रखा है भाई कि कल आ जाना तू। उसके बाद भाई हम लोग करेंगे ये वाला चैलेंज जो मैंने बोला था भाई, कि हम लोग अपनी कार को मिनी घर बनाएंगे भाई, मतलब उसके अंदर बिस्तर उस्तर लगा के मस्त रहेंगे, पूरा दिन रहेंगे भाई, घूमेंगे खाएंगे मस्त एकदम। हाँ भाई परसों किया जाए। हाँ भाई मजा आएगा रहने में, तो भूल ही गया था कि ये भी करना चैलेंज वाला चैलेंज इरफान के लिए हम लोग रुके हुए थे भाई, तो इरफान जैसे ही आता है ना उसके बाद करेंगे। हाँ एंड तेरा एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है ना। हाँ। पढ़ क्यों नहीं रहा है कुछ? अच्छा जबाक एग्जाम 28 से स्टार्ट है तेरा ना। 28 नहीं 4 तारीख से है। तो फिलहाल भाई साहब देखो रात के बज चुके हैं भाई साहब 12, और अभी हम लोग जस्ट घर पे पहुंचे। एक्चुअली मैं चले गया था ना भाई, एक्चुअली एक फ्रेंड का ना एक्सीडेंट हो गया था भाई, तो हम लोग चले गए थे उसको हॉस्पिटल, मतलब उसको देखने के लिए, मतलब वो हॉस्पिटल में पहुंच चुका था अभी जस्ट हुआ है भाई थोड़ी देर पहले, तो हम लोग फटाफट से गए भाई उसको देखने के लिए। एक्चुअली चोट आ गई है भाई, मुंह पे लगा है, पैर वगैरह में लगा है, बट ये है कि कुछ टूटा उटा नहीं है भाई, बच गया है मतलब सही सलामत। जानते हो क्या हुआ, ऑटो से वो कहीं पे जा रहा था और ऑटो पलट गया भाई, और ऑटो वाला ड्रिंक कर रखा था, उसको भी पकड़ लिए हैं। उसके बाद भाई ऑटो पलट गया, उसके ऊपर ही गिर गया भाई, सोचो मतलब वो नीचे था भाई ऑटो के, और सब लोग आके उठाए वगैरह। उसके बाद फिर उसको हॉस्पिटल फटाफट से लेके गए भाई, तो अभी जस्ट हम लोग भी गए हुए थे, तो वहां से फटाफट से अभी आई आ रहे हैं भाई। अभी रात के 12 बज चुके हैं, फिलहाल अभी हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया भाई आते ही साथ। अभी इस ब्लॉग को करते हैं एंड, होप करता हूँ आप सभी लोग को ये ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया मेरा भाई तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड अभी देखो जीशान भाई पीछे सो रहा है, समीर तो बाहर पबजी वगैरह खेल रहा है भाई हॉल में। फिलहाल हम करते हैं अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, कल देखना भाई क्या होता है, कल बहुत ज्यादा मजा आएगा। अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग भाई, बाय, टेक केयर।